हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरे पास एक रेडमी का फ़ोन आया हुआ है और जिसका मॉडल नंबर रेडमी 8 और ये MIUI 12.5 पे बेस्ड है। दोस्तों ये MIUI 12.5 पे वर्क कर रहा है दोस्तों, और इस फ़ोन में लगा हुआ है FRP लॉक। जैसा कि आप आगे नेक्स्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ, मैं नेक्स्ट करता हूँ दोस्तों। जैसा कि आप देख पाओगे, अगर आप यहाँ से देखें तो कोई भी सिम नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए लॉक्ड है, ठीक है दोस्तों। तो ये बताता है कि आपका फ़ोन लॉक्ड है, FRP लॉक लगा हुआ है दोस्तों। सिंपली आप नेक्स्ट करते जाएंगे, स्किप पे क्लिक कर देंगे एंड जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा इस फ़ोन में FRP लॉक लगा है या नहीं। तो सिंपली मैं आपको कन्फर्म करवा देता हूँ, एग्री पे बटन पर क्लिक करूँगा एंड इस बटन पे क्लिक करते इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, नॉट साइन इन। तो इस तरीके का ऑप्शन आने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि इस फ़ोन में FRP लॉक लगा हुआ है और इसको बाईपास कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही सीमलेस एक्सपीरियंस है दोस्तों इसका FRP बाईपास करने का तरीका। आपको नेक्स्ट करते जाना और आपको रुकना कहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए वाईफाई आपको कनेक्ट नहीं करना, ठीक है। पहले तो आपको वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना, ध्यान दीजिएगा, आपको वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना, स्किप कर दीजिएगा। स्किप करते ही आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा, दो बार ओके करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ओनली स्क्रीन लॉक पे टाइप कर देंगे। कोई भी एक लॉक लगा लीजिए, लाइक पैटर्न लॉक, पिन लॉक, कोई भी एक लॉक लगा दीजिए। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं ये यहाँ पे एक सही का निशान बना देता हूँ, फिर से मैं कोशिश करता हूँ, सॉरी। एंड फिर से ये आप कोई भी रैंडमली कोई भी पैटर्न लगा सकते हैं। उसके बाद आपको इस तरीके से क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट नेट करके दिखा दे रहा हूँ कि ये वर्क करता है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे, नॉट साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब आपको आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखाता हूँ, आगे का प्रोसीजर क्या है। नेक्स्ट करेंगे, स्किप पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे ये अब इस वाले सेक्शन पे हमें वाईफाई से कनेक्ट हो जाना है। तो मैं अपना वाईफाई का पासवर्ड डाल लेता हूँ, CHANDEE, चंदीप मेरे नाम का ही पासवर्ड है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, कनेक्ट बटन पे क्लिक करते ही ये फ़ोन आपका कनेक्ट हो चुका है वाईफाई से। अब आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, चेकिंग फॉर अपडेट का ऑप्शन आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये अब जो चेकिंग फॉर अपडेट आपको शो करता है, ये आपकी नेट की स्पीड पर मैटर करता है कि आपकी नेट की स्पीड कितनी बेहतर, कितना जल्दी ये चेकिंग फॉर अपडेट ले लेता। अगर ये प्रॉब्लम आपको काफ़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इस प्रॉब्लम की वजह से, या फिर आप इसको चाहते हो कि जल्दी हट जाए, तो आपको एक बार बैक करके फिर से एक बार ट्राई कर लेना दोस्तों। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 बार ऐसा करने पर आपको एज़ कम्पेयर टू पहले आपको थोड़ा सा कम टाइम लगेगा और ये ऑप्शन आ जाएगा, डोंट कॉपी पे क्लिक कर दीजिए। डोंट कॉपी पे क्लिक करते ही आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप देख पाएंगे यहाँ पे देखिए, आपसे पैटर्न लॉक मांगने लगा, आपसे वही पैटर्न लॉक अप डाल दीजिए, जो भी आपने पैटर्न लॉक वहाँ पे बनाया होगा आपको पैटर्न लॉक को डाल देना। पैटर्न लॉक को डालते ही आपकी FRP बाईपास हो जाएगी दोस्तों। मैं आपको दिखाऊँगा, थोड़ी सी प्रोसेसिंग हुई और यहाँ पर देखिए डन, और स्किप बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे देखिए स्किप का ऑप्शन आ चुका है, और स्किप का ऑप्शन आने के बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ये देखिए मोर पे क्लिक करेंगे, मोर पे एंड एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद जस्ट स्किप बटन पर क्लिक करेंगे, स्किप बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। एंड जस्ट इतना करने के जस्ट बाद आपको क्या करना होगा मैं आपको दिखाता हूँ। इतना करने के बाद जस्ट एग्री बटन पर क्लिक कर दें, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड सेटअप कंप्लीट हो जाएगा आपका। सेटअप कंप्लीट होते ही आपको क्या करना होगा मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपकी पूरी फ़ोन का जो है वो सेटअप हो जाएगा। पूरा सेटअप होने के बाद आपको सेटिंग में जाकर इसका मॉडल नंबर आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग पर मैं गया और यहाँ पर ऊपर ही दिख जाएगा अबाउट फ़ोन। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा, ये है MIUI वर्जन, MIUI 12.5 पे ये वर्क कर रहा है दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पे ऑल स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे देख पाएंगे ये रेडमी 8 मॉडल है और ये एंड्रॉयड 10 पे काम करता है, ठीक है दोस्तों, ये एंड्रॉयड 10 पे काम करता है। उसके बाद बैक जाएंगे और यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच यहाँ पे दिख जाएगा आपको, और इसका मॉडल भी दिख जाएगा तो आपको, और कुछ इस तरीके का इंटरफेस है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।